अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद उनके असल उत्तराधिकारी का नाम भी सामने आ गया है। मौत को गले लगाने के पहले महंत नरेंद्र गिरी ने जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसमें उन्होंने अपने शिष्य बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बताया है। मरने के पहले उन्होंने लिखा कि उनकी अंतिम इच्छा यही है कि मठ बागम्बरी गद्दी और बड़े हनुमान मंदिर का महंत बलबीर गिरी को बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज से अनुरोध करते हुए लिखा है कि जो वो अब तक उनका सहयोग करते रहे हैं इस इच्छा को भी जरूर पूरा करेंगे। कोई किसी तरह का कोई मामला है जिनके कारण ये हुई, हम उन्हें छोड़ने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करेंगे, हम उन्हें अंदर तक करवा के ही छोड़ेंगे। आप इस नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? मान जी आपको ऐसा लगता है? हमेशा से तैयार हूँ। ओम नमो नारायण। जो आरोप लगाए गए कि आपको ऐसा लगता है कि आनंद गिरी, आद्य तिवारी, विनय तिवारी जो उनके पुत्र है वो सब ऐसा, देखिए मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है, बरोबर है। कोई भी विषय, आत्महत्या मनुष्य कब करता है? आप लोग इतने सारे लोग हैं, आप लोगों के जीवन में कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे आपको लगता है कि ये बहुत, और ऐसा प्रसंग कर रहा जो आपके जीवन के बिल्कुल सम्मुख है, जो आपसे, जिससे आप बहुत स्नेह रखते हो, आपका बच्चा है, आपने बचपन से पाला। महाराज जी कभी आपसे विश्वास किया, आपसे परेशानी दिक्कत कभी उन्होंने शेयर किया कि हम बहुत परेशान हैं? तो दिक्कत इस तरीके की परेशानी गुरु कहाँ शिष्य को बताएगा? गुरु तो पी जाता जहर, शिष्य का कर्म होता है कि उनके आचरणों का अनुसरण करें। कुछ लोगों ने बताया हम कि तो केवल उनके अनुसरण करने की चेष्टाएं कर रहे हैं, ठीक है ना? आपको ऐसा नहीं लग रहा इस सबसे सनातन धर्म बदनाम हो रहा है? हमेशा से हो रहा है, ऐसे कारणों से हो रहा है, इन्हीं कारणों से, लेकिन हम स्वयं कर रहे हैं, हमको इसका अनुसरण करना होगा ना। आपको बता दें कि बलबीर गिरी महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी होंगे, वे तकरीबन 15 साल पुराने शिष्य हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने बलबीर गिरी को हरिद्वार आश्रम का प्रभारी बनाया हुआ था। महंत ने अपने वसीयत में बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया है। आनंद गिरी और बलबीर गिरी दोनों तकरीबन एक ही समय में महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बने थे, लेकिन बलबीर गिरी सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। आनंद गिरी के निकाशन के बाद बलबीर गिरी ही नंबर दो की हैसियत रखते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के आने पर बलबीर गिरी ही उनके ठीक बगल में बैठे थे। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।